अपने देश और समाज को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आज मुरादाबाद के साईं विद्या कन्या इंटर कॉलेज में नशा मुक्ति के ऊपर पोस्टर प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें छात्राओं ने समाज को नशा मुक्त करने के उद्देश्य को चित्रों और रंगों से उकेरा। इस अवसर पर ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती ऋतु नारंग ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर बच्चों को संदेश दिया कि नशा करना है तो अपने उद्देश्य का करो और सफल होने के लिए किए गए प्रयत्नों का करो। प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने बाजी मारी वो हैं खुशी यादव प्रथम स्थान, नैना द्वितीय स्थान और प्राची गुप्ता तृतीय स्थान। संस्था की अध्यक्षा श्रीमती रीता सिंह ने सभी बच्चों को पुरस्कार वितरित किया और बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमारी संस्था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस सभी तरह के समाज उपयोगी कार्यों में हमेशा अग्रणी रही है और आगे भी ऐसे समाज उपयोगी कार्य करती रहेगी। जनपद मुरादाबाद को सभी प्रकार के नशे से मुक्त शहर बनाऊंगी। मैं स्वयं तंबाकू सहित सभी नशीले पदार्थों एवं मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहूंगी और ना ही किसी अन्य को इसका सेवन करने दूंगी। 12 सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दूंगी। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर रंजना मल्होत्रा ने बच्चों को बताया कि हमारा मिशन है तंबाकू गुटखा कर दो टाटा, जिंदगी से तुम जोड़ो नाता। आप सबको इस मिशन में शामिल करना ही हमारा उद्देश्य है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती कुसुम शर्मा को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपने विद्यालय में स्थान देकर इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया। इस अवसर पर श्रीमती महिमा मिश्रा सचिव का सराहनीय योगदान रहा और श्रीमती सुधा त्रिपाठी और प्रिया पांडे ने भी अपना पूर्ण योगदान दिया। हमारा ये नशा मुक्त कार्य ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित किया गया है साईं इंटर कॉलेज की बालिकाओं के मध्य में। इसमें हमारे नशा मुक्त के जो कन्वीनर हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल की ऋतु नारंग को हम लोगों ने, ये हमारी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की भी मेंबर हैं। इसके अलावा और भी हमारी सेक्रेटरी महिमा सुधा रंजना मेहरू, क्या उद्देश्य इसका, सभी लोग उपस्थित। इसका उद्देश्य ये है कि हमें अपने समाज को नशा से मुक्त करना है और नशा से मुक्त करना है। घरों में भी ये आवाज़ उठाएं, कोई भी अगर नशा करता है, कोई भी गंदगी पर आदत है किसी भाई में, चाचा में, पिता में, उनको भी ये समझाएंगे, जागरूक कर रहे हैं इन्हें हम कि आप अपने परिवार को संभालें, क्योंकि आज आवश्यकता है कि समाज में सबसे पहले हमें अपने परिवार को सुधारना है। तो ये भावी कन्याएँ जो हैं, भविष्य में आगे चल के एक महिला बनेगी, तो इनको हमें जागरूक करना बहुत आवश्यक है ताकि ये अपने परिवार को, अपने समाज को कुछ दे सकें, नशा से मुक्त करा सकें। और ये बताना है इन्हें कि ये बहुत गलत चीज़ है जो हम लोग, हमारे भाई बहन, हमारे पिता करते हैं। इससे हमारे शरीर दुर्बल होता जाएगा, क्षीण होता जाएगा और हम अपने परिवार का, समाज का विकास भी नहीं कर पाएंगे।